हैदराबाद के दिलसुख नगर में पीएनटी कॉलोनी में गणेश पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पंडाल जल कर खाकस्तर हो गया। जराये ने बताया कि पीएनटी कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी गणेश पंडाल लगाया गया था और उसे रंग बिरंगे कॉटन से सजाया गया था। बताया गया है कि पंडाल में बस मूर्ति लाकर रखने की देर थी, लेकिन उससे पहले ही शॉर्ट सर्किट की वजह से पंडाल में आग लगी और चंद ही लम्हों में पूरा पंडाल जल कर खाकस्तर हो गया। खुशाइन बात यह रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हादसे से कुछ देर पहले ही तमाम अफराद अपने घर लौट गए थे। पंडाल में आग लगी देख मुकामी लोग हरकत में आए और फौरी तौर पर आग बुझाई गई। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। शेरदाबाद में हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयां जारी। इतवार को हाइड्रा के अहलकारों ने माधापुर सुन्नम चेरवू के एफटीएल के तहत आने वाली गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया। हाइड्रा के अहलकार एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। इतवार को माधापुर सुन्नम चेरवू एफटीएल के तहत आने वाली गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया गया है। दूसरी जानी मेडचल मलकाजगिरी जिले के डुंडीगल में भी इन्हदामी कार्रवाई की गई है। इस मौके पर एक खातून को जारो खतार रोते हुए देखा गया, क्योंकि उसके मकान को मुनहदम किया जा रहा था। खातून ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की है और हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। सीआईएसएफ के अहलकारों ने मलयालम अदाकार विनायकन को शमशाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया कि विनायकन पर एक सीआईएसएफ के मुलाजिम पर हमला करने का इल्ज़ाम है। ये हमला उसने उस वक्त किया जब वो कोची से बजरिए हैदराबाद गोवा जाने के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। फिल्म अदाकार पर सीआईएसएफ मुलाजिम पर हमले का इल्ज़ाम है। वहीं अदाकार का कहना है कि उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि सीआईएसएफ के अहदेदारों ने उसे एयरपोर्ट के एक मुकाम पर ले जाकर उस पर हमला किया है। पुलिस ने बताया है कि विनायकन और सीआईएसएफ के अहदेदारों के दरमियान बहस तकरार हुई। आपको याद दिला दें कि सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर में विनायकन ने विलन का किरदार अदा करते हुए रातों रात शोहरत हासिल की थी। बताया गया है कि इस सिलसिले में पुलिस ने विनायकन को हिरासत में लिया है। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुलहिंद तहरीक सदाए अस्सलातु खैर मिनन नौम के जलसे यौम तासीस व तहनियती तकरीब से खिताब किया। कुलहिंद तहरीक सदाए अस्सलातु खैर मिनन नौम का छठा जलसा यौम तासीस व तहनियती तकरीब का मस्जिद इब्राहिम दरगाहगंज शहीदा आसिफ नगर में इनेकाद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मौके पर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और जलसे को मुखातिब किया। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी, मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी के अलावा दीगर उलमा व मशायखीन, नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर कासिम व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। तहरीक के सदर मोहम्मद अब्दुल खादर मोइन खादरी, नायब सदर सैयद जमील अहमद खादरी व दीगर जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में 8 ता 10 सितंबर मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया। हैदराबाद में हल्की ता दरमियानी बारिश की पेशकयासी की। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के बतदरीज शुमाल की तरफ मुंतकिल होने के सबब तेलंगाना के कई अजला में भारी बारिश की पेशकयासी की गई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने महबूबाबाद और खम्मम जैसे अजला में शदीद बारिश का इम्कान जताया है, जबकि आदिलाबाद, कुमरा, भीमासिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, खदरादरी, कोत्तगुड़म, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में वक्फे से हल्की ता औसत बारिश की पेश कयासी की गई है। तमाम अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज महबूबाबाद खत्ते में सबसे ज्यादा 182.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और खम्मम में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अहदेदारों ने उन इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है जिन इलाकों में शदीद बारिश का इंतबाह दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एसआरटी कॉलोनी के साकिन यूनुस की खुदकुशी वाक़े पर रद्दअमल जाहिर किया। पुलिस की जानिब से हरासा करने की तरदीद की।
एसीपी मीट शॉक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि यूनुस नामी एक शख्स ने, जो कि एसआरटी कॉलोनी के रहने वाले हैं, ये कहते हुए खुदकुशी कर ली कि रन बाज़ार पुलिस ने उन्हें हरासा किया है। एसीपी ने बताया कि ये सच नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि 5वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जानिब से उनके भांजे के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया गया था। रन बाज़ार पुलिस ने वारंट की तामील के लिए रिश्तेदारों के घर का दौरा किया और वो यूनुस के घर भी पहुंची। पुलिस ने तमाम रिश्तेदारों से दरख्वास्त की थी कि जब भी लापता नौजवान रابطہ करे तो उन्हें मतला किया जाए। एसीपी ने बताया कि यूनुस की मौत के मामले में मादनापेट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात के बाद खुदकुशी के पीछे छुपे हकायक सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि शख्स की मौत में महकमा पुलिस का कोई दखल नहीं है और ना ही पुलिस की हरासानी की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। पुलिस का कहना है कि वाकई की मुनासिब मालूमात के बगैर इस तरह के वीडियोस वायरल करना काबिल मजम्मत इकदाम है। साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर ज़रई खर्च मुकम्मल तौर पर माफ़ न करने पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस की नाकामियों की वजह से 9 महीनों में 475 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने इतवार को तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की परेशानियां दूर करने और ज़रई कर्ज माफी स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में नाकाम हो गई है और इन्हीं नाकामियों की वजह से सिर्फ 9 महीनों में 475 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। साबिक वजीर ने सुरेंद्र रेड्डी नामी एक किसान की खुदकुशी के वाक़े का हवाला दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सुरेंद्र रेड्डी ने मेड़चल में महकमे ज़रात के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर ली। उसने अपने खुदकुशी नोट में ये लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहा है क्योंकि उसके ज़रई कर्ज़ माफ़ नहीं किए गए हैं, उस पर 2 लाख रुपये का कर्ज है। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस को काफ़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। किसानों की जानिब से 1 लाख से ज़ायद शिकायत मौसूल हो गई हैं। ऐसे किसानों की फहरिस्त तैयार करते हुए भारत राष्ट्र समिति गवर्नर से रुजू होगी और फहरिस्त को पेश करेगी। उनका कहना था कि जब तक किसानों के मसाइल हल नहीं किए जाते, भारत राष्ट्र समिति किसानों की जानिब से अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। जमीयत उलमा ज़िला आसिफाबाद के जिम्मेदारान ने मरकजी हुकूमत के मतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मजम्मत करते हुए कहा कि वक्फ का कानून बिल्कुल मुनासिब है, उसमें किसी भी तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना मुबीन कासमी सदर जमीयत उलमा ज़िले आसिफाबाद ने बताया कि मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर सदर जमीयत उलमा तेलंगाना, हाफिज़ पीर खलीफ अहमद साबरी जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से हुकूमत आवाम की राय तलब कर रही है वक्फ के कानून में तरमीम की जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा का ये मानना है कि वक्फ का कानून बिल्कुल मुनासिब और सही है, इसमें किसी तरमीम की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हुकूमत इस तरमीम के ज़रिए मुसलमानों के वक्फ की अमलाक पर कब्ज़ा करना चाहती है, मुसलमानों को उनकी मिल्कियतों से महरूम करना चाहती है। उन्होंने बताया कि अपनी राय भेजने के लिए एक बार कोड जारी किया गया है, इस पर स्कैन करते हुए इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और हुकूमत को अपनी राय भेज सकते हैं कि मुसलमान वक्फ के कानून में तरमीम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना मुबीन कासमी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में 30 करोड़ मुसलमान हैं लेकिन अब तक सिर्फ 28 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। मसाजिद के सुदूर और तंजीमों के सुदूर आइमा व मौजनीन दानिश्वरान कौम से इस बार कोड का इस्तेमाल करते हुए अपनी राय हुकूमत तक भिजवाने की अपील की गई है। आवाम में भी शऊर बीदार करने का मशवरा दिया गया है। इस मौके पर अब्दुल हफीज़ मालिक हफीज़ बेकरी, मोहम्मद बशीरुद्दीन माविन नाजिम ज़िले मौलाना आखिल फलाही इमाम व ख़तीब मस्जिद आमेरा अकील, सेक्रेटरी वज़ीर आमेरा मेराज मास्टर को दीगर अफराद मौजूद थे। जश्न आज़ादी हिंद के जिमन में मीना हॉस्पिटल की खसूसी पेशकश, आइए अमराज से आज़ादी वो छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ता 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है, माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाजों
اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ۔ عوام کی خدمت تھی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل شیورام پلی راجندر نگر پلر نمبر 254 حیدرآباد۔ وجے کمار آئی پی ایس نے سی وی آنند آئی پی ایس سے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو تلنگانہ کا چارج حاصل کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز آئی پی ایس افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ آئی پی ایس وجے کمار کو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو تلنگانہ کا عہدہ سونپا گیا ہے اور سی وی آنند آئی پی ایس شہر حیدرآباد پولیس کمشنر مقرر کیے گئے ہیں۔ اتوار کو وجے کمار آئی پی ایس نے سی وی آنند آئی پی ایس سے ڈائریکٹر جنرل اے سی بی تلنگانہ کا چارج حاصل کیا۔ ہائیڈرا کے ذریعے ایف ٹی ایل اور بفر زون میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے سابق ایم ایل اے کٹا سانی رام بھوپال ریڈی کی تعمیرات کو منہتم کر دیا۔ سنگا ریڈی ضلع کے امین پور کے بڑے تالاب میں ایف ٹی ایل اور بفر زون میں تعمیر کی گئی عمارتوں کے خلاف ہائیڈرا کے حکام نے کارروائی کی ہے۔ عہدیداروں نے سابق ایم ایل اے کٹا سانی رام بھوپال ریڈی کی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ کے امین پور کے دورے کے ایک ہفتے بعد یہ کارروائی انجام دی گئی ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر نے کہا ہے کہ سنم چیرو میں پہلے بھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کیا گیا تھا، لیکن وہ دوبارہ تعمیر کیے گئے، جس کی وجہ سے اتوار کو کارروائی کی گئی اور امین پور کے بڑے تالاب میں بھی غیر قانونی تعمیرات کا نوٹ لیتے ہوئے انہدامی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وجے لکشمی اور سابق ایم ایل اے کٹا سانی رام بھوپال ریڈی دونوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹی وکرمارکا نے کھمم کے مودی گنڈا منڈل میں شدید بارش سے ٹوٹے تالاب کے پشتے اور آس پاس کے علاقوں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اتوار کو کھمم کے مودی گنڈا منڈل کے ولبھی گاؤں پہنچے، جہاں پر انہوں نے حال ہی میں شدید بارش کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے تالاب کے پشتے کا معائنہ کیا، اطراف و اکناف کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر گاؤں کے لوگوں نے ڈپٹی چیف منسٹر کو تالاب کا پشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے زیر آب آنے والی فصلوں اور انہیں ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتایا۔ ریاست گجرات کے کھیڑا میں عیدگاہ اور مسلمانوں کی دکانات پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کھیڑا میں ایک معمولی سڑک حادثے کو لے کر جھگڑا ہوا، جو کہ پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کتلال پولیس اسٹیشن کے روبرو ہندوتوا کے نعروں کے ساتھ عیدگاہ پر حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کی دکانات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے ایجنسی کی مسمار پالیسی کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی زیر قبضہ رہائش گاہ کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ ہائیڈرا کی کاروائیاں جاری ہیں، ایسے میں عوام میں خدشات پائے جا رہے ہیں۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے ایجنسی کی مسمار پالیسی کو واضح کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ کسی بھی زیر قبضہ مکان یا رہائش گاہ کو، چاہے وہ ایف ٹی ایل میں ہو یا پھر جھیلوں کے وفر زون میں تعمیر کی گئی ہو، منہدم نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر نے مسمار پالیسی کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ایف ٹی ایل اور بفر زون کے اندر نئی اور غیر مجاز تعمیرات پر ہائیڈرا نے اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ مادھاپور کے سنم چیرو اور دونڈیگل کے مالم پیٹ چیرو میں اتوار کو جو ڈھانچے منہدم کیے گئے وہ سب زیر تعمیر تھے اور ان کے پاس مناسب اجازت نامے نہیں تھے، اور یہ کاروائیاں ایف ٹی ایل بفر زون کے ضوابط کی خلاف ورزی ہیں۔ اے وی رنگناتھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایف ٹی ایل یا پھر بفر زون میں کوئی جائیدادیں نہ خریدیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں کوئی مکان، فلیٹ یا پھر زمین خریدنے سے گریز کریں، اور اگر انہیں کوئی شک و شبہ ہے تو وہ ایچ ایم ڈی اے کی ویب سائٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر مزید وضاحت کے لیے ہائیڈرا سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں۔ آصف آباد ضلع کے مستخر جینور میں ایس پی اور ڈی ایس پی کی موجودگی میں فرقوارانہ تشدد پیش آنے کے بعد مسلمان خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مسلم نوجوان شب بسری کر رہے ہیں۔ مستخر جینور میں 4 ستمبر کو ایس پی
डीवी श्रीनिवास और डीएसपी सादैया की मौजूदगी में फिरकावाराना तशद्दुद पेश आया। पुलिस दंगाइयों को 4 घंटों तक तशद्दुद बरपा करने से रोकने में नाकाम रही। पुलिस की नाकामी के नतीजे में जैनूर की 4 मसाजिद में दंगाइयों ने तोड़ फोड़ की। मसाजिद में मौजूद जानमाज, कुरानी नुस्खों और दीगर अशिया की बेहुरमती की गई। इतना ही नहीं, जैनूर में मौजूद मुसलमानों के तमाम दुकानात लूट लिए गए हैं और फिर उन्हें आग लगा दी गई है। जैनूर मंडल और केरा मेरी मंडल के मुसलमानों में अब पुलिस पर से एतबार उठ गया है और इलाके में मौजूद तमाम मुसलमान खौफ के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। केरा मेरी, जैनूर, गौरी बुजुर्ग कैरी, सरदापुर, झर्री, पोचम, लोदी और दीगर मुकाम पर मुस्लिम नौजवान शब बसरी कर रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से खुद को बचाया जा सके। इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात को भी गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुनक़ता कर दिया गया है और बजरिए सेल फोन तरह तरह की अफवाहें गश्त कर रही हैं। वाज़ेह है कि जैनूर में फिरकावाराना तशद्दुद में पुलिस की नाकामी के बाद अंदरून 5 घंटे पुलिस के आला अहदेदारों की जानिब से एसपी आसिफाबाद, डीवी श्रीनिवास और डीएसपी के अलावा जैनूर के सर्कल इंस्पेक्टर ई रमेश को हिफाजती इंतजाम से अलहदा कर दिया गया है। आदिलाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जैनूर के हिफाजती इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन इलाकों के मुसलमानों का कहना है कि पुलिस की नाकामी के बाद से अब वो पुलिस पर एतबार नहीं कर सकते। तशद्दुद से मुतासर जैनूर और आसपास के मुसलमानों में जैनूर के तशद्दुद के लिए कांग्रेस हुकूमत के तई गम व गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि वो यकजुट होकर कांग्रेस को वोट डालकर बरसर इख्तदार लाए हैं। मुसलमानों की कोशिशों और जमीयत उलमा की कोशिशों से हुकूमत बनाने वाली कांग्रेस पर अब मुसलमान भरोसा नहीं कर सकते। गुज़िश्ता बीआरएस के दौर हुकूमत में इस तरह के फिरकावाराना फसादात नहीं हुए थे। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमल किया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 8 माह में ही लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में नाकाम हो गई है। रियासत के कई मुकामात पर फिरकावाराना फसादात रोनुमा हो रहे हैं। जैनूर के हिफाजती इंतजाम की जिम्मेदारी उठा रहे आदिलाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौस आलम ने कहा है कि अवाम के तहफ्फुज के लिए तशद्दुद से मुतासरा जैनूर के अलावा केरामेरी और आसपास के इलाकों में पुलिस के वसी इंतजाम किए गए हैं। उनका कहना है कि साजिश में मुलविस खातियों की निशानदेही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अवाम से अफवाहों पर कान न धरने की अपील की गई है और अफवाहें फैलाने वाले अफराद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। खम्मम में सैलाब मुतासरीन ने शदीद बारिश का इंतबाह दिए जाने के बावजूद हुकाम की जानिब से लापरवाही बरतने पर धरना मुनज़म किया। खम्मम में फिर एक बार भारी बारिश का इंतबाह दिया गया है। इतवार को सैलाब मुतासरीन ने खम्मम वीरा कौमी शाहरा पर धरना दिया। उनका कहना है कि हुकाम लापरवाही से काम ले रहे हैं, उन्हें लोगों के मकानात में पानी दाखिल होने की कोई परवाह नहीं है। सैलाब मुतासरीन ने शदीद बारिश के इंतबाह को मद्देनजर रखकर एहतियाती इकदाम करने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी 3 रोज़ा दौरे पर इतवार को अमरीका के डलास पहुंचे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पिट्रोडा व दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। जराए ने बताया कि लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी इतवार को 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचे। इस दौरान वो हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए तबादला ख्याल करेंगे। अलावाजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा और माहिरीन तालीम से भी राहुल गांधी बातचीत करेंगे। कुछ टेक्नोक्रेट से भी उनकी मुलाकात होगी। बताया गया है कि वो डलास के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इशाया में भी शरीक होंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।